नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट, यूपी SSSC ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। अब इस दिन जारी होगा फाइनल रिजल्ट। परीक्षा नियंत्रक कर्मचारियों के तबादले से नए नोटिफिकेशन रिजल्ट, नई भर्तियों पर प्रभाव, एकदम अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इसके साथ में दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को बता रहा हूँ। फ्री हेल्थ फाउंडेशन के जरिए एक मेरा नया चैनल है जिसमें गरीब असहाय लोगों की मदद की जाती है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे गरीब असहाय लोगों की मदद हो सके। यह चैनल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यह देखिए दोस्तों, यह वही चैनल है जो गरीब पिछड़ों असहाय लोगों के लिए यह बनाया गया है, फ्री हेल्थ फाउंडेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि इन सभी लोगों के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ दें। चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो इसके पहले परीक्षा नियंत्रक रहे उनका ट्रांसफ़र हो गया है। अब जो है श्री विधान जायसवाल होंगे यूपी SSSC के नए परीक्षा नियंत्रक। अब दोस्तों इनके देखरेख में सब कुछ काम होगा यूपी SSSC। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यूपी SSSC में कोई काम करना, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों जो है वो अपना तबादला जल्द से जल्द करवाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इस आयोग में इतना झोल है कि सभी कर्मचारी अधिकारी परेशान हो जाते हैं और भर्ती कभी लटकती है, कभी कुछ होती है। इतना काम इन लोग को मिल जाता है कि वो करना नहीं चाहते हैं। तो श्री विधान जायसवाल जी अपर जिला अधिकारी अलीगढ़ के हैं, यही होंगे आपके यूपी SSSC नए परीक्षा नियंत्रक। अब ANM की अपडेट की बात करते हैं, कब आप लोगों का रिजल्ट आएगा वह भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। यह देखिए दोस्तों, ANM के सभी जो है 17,000 समथिंग जो अभ्यर्थियों के डाटा हैं, प्रमाण पत्रों के मिलान में काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कुछ है थोड़ा गड़बड़ी भी पाई गई है, कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट इधर से उधर हुआ है। तो वह डाटा जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलान किया जा रहा है। जैसे ही मिलान पूरा हो जाएगा तो आप लोगों का रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा। और इसी बीच देख रहे हैं आप लोग परीक्षा नियंत्रक जो हैं उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। अब जो नए परीक्षा नियंत्रक श्री विधान जायसवाल सर जी आ रहे हैं, अब उनको जो है थोड़ा यह सब समझने में समय लगेगा कि इस भर्ती का नया नोटिफिकेशन कब निकालना है, कौन सी भर्ती का रिजल्ट पेंडिंग है, कौन सी भर्ती जो है रनिंग पर है। तो यह सब उनको एक बार देखने में थोड़ा समय लग सकता है, जिसके कारण जो है रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है। दोस्तों रिजल्ट जो है 28 से 30 जून के बीच में आने की बात कही जा रही थी, अगर जो पुराने परीक्षा नियंत्रक रहे जिनके देख रेख में जब हो रहा था। दोस्तों जब एक बार नई जगह पर नया काम शुरू करना पड़ता है तो वहाँ पर थोड़ा समय लगता है, तो जिसके कारण जो है यह रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है। यह रिजल्ट 5 से 8 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में नए नोटिफिकेशन जैसे यूपी SSSC पेट का भी नोटिफिकेशन आना था, वह भी दोस्तों अब इस रिजल्ट के आने के बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा। बाल विकास पुष्टा आहार जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आना था वह भी जो है इस रिजल्ट के बाद, मतलब जो भी प्रक्रिया होगी अब इस रिजल्ट के बाद होगी। और जुलाई में जितने भी परीक्षाएँ होनी हैं सब अपने सही समय पर होंगी, हो सकता है एक आध परीक्षाएँ फिर से पोस्टपोन हो सकती हैं। तो दोस्तों यह रही ANM की बहुत बड़ी अपडेट। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों इसके साथ में इसी चैनल के साथ में एक नया चैनल मेरा है, फ्री हेल्थ फाउंडेशन, गरीब असहाय पिछड़ों के लिए बनाया गया है। मैं काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग की बारी है, आप लोग भी मेरा साथ दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों कुछ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो फ्री हेल्थ फाउंडेशन अच्छे से चलेगा। अब आप लोग जानते ही हैं कि गरीबी क्या चीज़ होती है। अभी भी बहुत सी परसेंटेज जो है गरीबता जो है अभी पड़ी है। आप लोग देखते हैं कि गरीब सूचकांक जब देखा निकलता है तो उसमें आप लोग देखते ही हैं। तो दोस्तों यह सब देखते हुए मैं यह चैनल बनाया हूँ और जल्द ही जो है काम पूरा होगा और इसमें जो है आप लोग की भी सहभागिता रहेगी, तो जल्द ही आप लोग भी जो है इसके साथ जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों रही बात ANM की, आप लोग घबराइए मत, डाटा प्रमाण पत्र मिलान किया जा रहा है, अभी थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है एक आध सप्ताह समय और ज़्यादा लगे। 28-30 तारीख के जून के बीच में बात हुई थी, अब यह 5 से 8 जुलाई के बीच में आने की संभावना है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।